अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। और आप देख रहे हैं वहाज ब्यूटी सलोन, और आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ बहुत ही अच्छी बेस बनाने का तरीका, क्योंकि गर्मी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है बेस बनाने की। हम जी कैसे बनाएं और कैसे हम बना के लगा के जाएं ऑफिस में, कभी वो किसी तरह की कभी वो किसी तरह की बेस जो है चूज़ करती हैं और उनको उनकी स्किन टोन पर नहीं सही रहती। तो आज जो फेयर टोन वाली हैं उनके लिए भी है, और जो जिनकी फेयर टोन नहीं है नॉर्मल है उनके लिए भी है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल नहीं स्लिप करना, वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ब्रश मेरे हाथ में है और बाकी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये भी लूज़ पाउडर है और ये वाली जो है ये क्रिस्टीन की स्टिक है, और बाकी चीज़ें ये मैं आपको बनाने का मेथड बताती हूँ। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई कटोरी वगैरह चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये कैप है। कोई भी चीज़ आप ले लें, बाउल ले लें, जो भी ले सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मेरे पास यहाँ पे हांडी बेस जिसको कह लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फेयर है, वाइट है, बिल्कुल वाइट कलर में है, ठीक है। ये आप लोगों ने किस तरह से बनानी है बेस, ये मैं आप लोगों को गर्मियों की बेस बनाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ज़्यादा नहीं देखें, इतनी इतनी मकदार में ले लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जो लूज़ पाउडर है वो ले रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल येलो कलर में है, ठीक है। देखें आप, ये येलो कलर में है, ये वाला जो है वो आपने ये देखे, पहले हमने बिल्कुल वाइट जो है वो डाली है, और अब हम येलो जो है वो तकरीबन इतनी मकदार में लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालें। ये जस्ट मैं आप लोग को मेथड बता रही हूँ कि आप लोग बेस बना के अपने घर में किस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टीन के यहाँ पे मेरे पास क्रिस्टीन की स्टिक है, तो इसको भी हम इस तरह से थोड़ी सी ले लेते हैं, जिस तरह हमने ये देखे, इस तरह से तकरीबन इतनी आपने ले लेनी है और इसमें ऐड कर देनी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद दरअसल ये मेरे पास बेस जो है लिक्विड पड़ी हुई है, ये मिस रोज़ की है। एक्चुअली इसकी जो बोतल है वो मुझसे टूट गई थी, तो मैंने इसमें सेव कर ली, ठीक है। ये मिस रोज़ की बेस है फाउंडेशन में, इसको आपने इतनी ले लेना है। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने रिवाज का फिक्सर स्प्रे है, ये आपने तकरीबन तीन शावर जो है वो इसमें ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, शेफर की 00 नंबर जो है ये आपने ले लेना है। ये बिल्कुल फेयर टोन में है, ठीक है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ खोल के, आप लोग देखें, आज बहुत ही अच्छी ये बेस बनने वाली है। ये देखें, बिल्कुल फेयर टोन में है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने तकरीबन थोड़ा सा ले लेना है, देखें इतना सारा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इनको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग जो है वो कर लेनी है। आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छा इसका जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, और मैं अब आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, और आप लोग देखें कि ये इसका कितना अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। ब्रश की मदद से आपने इसको लगा लेना है, और यहाँ पे मैंने लगा लिया है। और इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल ड्राई स्पंज लेना है, बिल्कुल गीला नहीं करना है, ठीक है। ड्राई स्पंज लेके आपने इसको बहुत अच्छा सा टैप कर लेना है, ठीक है। तो आप देखें माशाल्लाह से मैंने इसको तकरीबन 5-10 मिनट लगाऊंगी, टैप करूंगी, और उसके बाद ये बिल्कुल मेरी बेस जो है वो रेडी हो जाएगी। आप लोगों ने इसी तरह से बनानी है, ठीक है।
और ये देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी टैप हुई है और इतना अच्छी लग रही है, और साथ में ये शाइन भी कर रही है, ग्लो भी कर रही है, बहुत अच्छी बेस बनी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों से, सबसे अपने फ्रेंड से मेरी वीडियो शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।